चलते हैं अगली खबर की ओर। तो बढ़ती गर्मी के साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना की पोल खुलने लगी है। मजबूरन ग्रामीण डोभा के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने देश भर में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत झारखंड सरकार ने भी हर घर नल योजना की शुरुआत की, लेकिन योजना ने बुंडू के चिरूटी गांव में पहुंचते ही दम तोड़ दिया। ये वही गांव है जहां से तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा आते हैं। विधायक के इस गांव की हालत ऐसी है कि यहां के ग्रामीणों को पीने का पानी तक नसीब नहीं। पानी के जुगाड़ में गाँव की महिलाएं हर दिन घंटों जद्दोजहद करते नजर आती है। पानी की किल्लत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण डोभा और चुआ के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। विडंबना ये है कि इस डोब से जानवर भी अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं दूषित पानी पीने से ग्रामीणों के बीमार होने का खतरा भी बना रहता है। सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि गाँव के चापानल और जल मीनार महीनों से खराब पड़े हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। हाँ, मोटा मोटी 12-13 को घर होगा। जिसमें के को मोदी आवास मिला है? मोदी आवास तो एक को नहीं मिला है। एक भी नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो यहाँ का विधायक आप लोग का तो घर का ही ना बेटा है? घर का ही है तो नहीं आते हैं क्या मिलने के लिए? ना, एक रोज आप किया है वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के लिए आया था, और उसके बाद? उसके बाद कहाँ, आवे नहीं किया है। पानी का क्या समस्या हो रहा है आप लोग के यहाँ? पानी का तो बहुत समस्या है यहाँ पर। वोट खोने वोट मांगे आ रहे और उखिन लगा रहा अभी नहीं कोई। हाँ, कहा जानी समस्या था यहाँ। पानी के कतरा तकलीफ होता सेटा, अरे पानी के बहुत तकलीफ, डोभाग पानी खाती, चला देखवा। अच्छा, तभी नलकूप सब खराब था, आज बना है अभी तुरंत, तो जबकि 2-3 महीने बंद था, तो हम लोग यहीं से ले जा रहे, क्या करेंगे, पानी का तो जरूरत है ना पीने के लिए। तो पीने का जो चापाकल बना हुआ है वो उसमें क्या पीने का पानी ठीक नहीं है क्या? हाँ, पीने का ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जंग लग जाता है ना, जैसे कि जंग लग जाता है तो वो पानी अच्छा नहीं लगता है। झारखंड सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर में नल का जल पहुंचाने की मुहिम चला रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। सरकार और उनके अधिकारियों का दावा है कि अधिकांश क्षेत्रों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब विधायक के खिलाफ उनके भाई भी मुखर है। यहाँ आपका कहना सही है, आप देख रहे हैं, लेकिन समस्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये समस्या जैसे भी है बोले हम कि आवास का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, आप स्वयं देख रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो रहा है ये सब? आप देखिए, गोमतीवास नहीं है यहाँ से वहाँ तक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो रहा है, मिला ही नहीं। आप लोग इसके इस मामले में किसी से मिले थे आप लोग? जी हाँ, मिले तो नहीं थे हम लोग। अच्छा, विधायक जी से? विधायक जी से मिले थे नहीं है, बातचीत ऐसे तो किए थे हम लोग घर, तो हाँ हाँ करे, धीरे 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 होगा, इस टाइप का बोला। जीतने के बाद कितना बार आए हैं विधायक जी यहाँ? जीतने के बाद आया नहीं है, मैंने जब भट्ट का समय होता उस बार एक बार आया था। झारखंड में ऐसे कई गाँव और कस्बे हैं जहाँ पानी की तलाश कभी खत्म हुई ही नहीं। पानी की सुविधा होना आज भी वहाँ एक सपने जैसा है, जिसे पूरा करने के लिए लोग रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। समाचार प्लस के लिए बुंडू से अमित दत्ता की रिपोर्ट।